गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं CCIM और NCISM के बारे में। तो ये दोनों क्या है, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो NCIM है वो पिछले साल से ही चर्चा के अंदर बहुत ज्यादा आ गया था, क्योंकि जब जो ये जो बिल पास हुआ था पिछले साल 2020 के अंदर, तब से ही लोग हैं वो कहने लग गए थे कि जो CCIM है वो थोड़े दिनों बाद में हट जाएगा। जी हाँ गाइस, जो CCIM है वो 11 जून को ऑफिशियली हट चुका है पूरी तरीके से। तो अब जो CCIM की जगह है वो किसने ली है, कैसे कैसे वर्क होगा NCISM का, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें इस वीडियो को। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चालू करते हैं CCIM के बारे में। तो CCIM को आप जानते ही हो, सेंट्रल काउंसलिंग ऑफ इंडियन मेडिसिन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो CCIM क्या करती थी, तो CCIM है वो पूरे जो इंडिया है उसके अंदर जो आयुर्वेदा का जो जितना भी सिलेबस होता था, जैसे कि कोई सिलेबस चेंज करना होता था या कुछ भी फेरबदल करना होता था सिलेबस के अंदर, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो रेगुलेट कौन करता था, पहले CCIM करता था। तो और जो बाकी की जो सारे जो कॉलेजेस हैं, जैसे कि कोई कॉलेज नए खुलने वाले हैं, और जो प्राइवेट कॉलेजेस को जैसे कि हर साल मान्यता देनी होती थी, तो ये जो मान्यता वगैरह देने का भी जो काम था वो भी CCIM के हाथों में था। हर साल प्राइवेट कॉलेजेस नए खुलते हैं, अब किन को मान्यता देनी है, किन को मान्यता नहीं देनी, ये भी सारी चीजें हैं वो CCIM के हाथों में रहती थी। कौन से कॉलेज को बैन करना है पूरे तरीके से, क्योंकि ये जो सारी मॉनिटरिंग वगैरह है ये सारी CCIM के हाथों में रहती थी। लेकिन पिछले साल 2020 के अंदर जब से NCISM बिल चर्चा में आ गया था, तो तब से ही ये जो बातें हैं वो उठने लग गई थी कि अब जल्दी ही जो CCIM है वो खत्म कर दिया जाएगा और इसकी जगह है वो NCISM ले लेगा। हुआ भी लगभग यही एक साल बाद में, मींस 2020 के अंदर 11 जून को जो CCIM है उसको ऑफिशियली तरीके से हटा दिया गया है और इसकी जगह अब NCISM ने ले ली है। अब NCISM कैसे कैसे वर्क करेगा वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि जो CCIM है उसको क्यों हटा दिया गया। जो CCIM है उसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1971 में हुआ था, और जो एक्ट था जिससे इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो था इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसलिंग एक्ट 1917 में ये बना था। अब इसके बनने के बाद में क्या हुआ, अब लगभग 50 साल हो गए हैं CCIM को बने हुए, तो आप जानते हो 50 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। अब जो CCIM वगैरह है वो सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग करने का काम करता था, अब हर जगह करप्शन वगैरह ज़्यादा होने लग गया है, तो CCIM के अंदर भी ये जो करप्शन वगैरह है ये ज़्यादा होने के कारण जो आयुष था उसको ज़्यादा मतलब ग्रोथ नहीं मिल रही थी। और जो गवर्नमेंट है ये भी, अब जैसा कि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है आयुर्वेदा जो आयुष कोर्सेज है उनकी तरफ, तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या सोचा कि जो ये CCIM है जिसको लगभग 50 साल हो चुके हैं इसको ही हम खत्म करके एक नई कमेटी लेकर आ जाते हैं हम इसकी जगह NCISM। तो उन्होंने वही किया, उन्होंने क्या किया, एक नया बिल पास किया 2020 के अंदर, और तुरंत 2021 के अंदर जो NCISM कमेटी है वो लेकर आ गए वो 11 जून से। 2020 के अंदर क्या हुआ था, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट ये आया था 2020 के अंदर। तो इस एक्ट, ये जो एक्ट है ये लोकसभा से भी पारित हो गया था और राज्यसभा से भी पारित हो गया था पिछले साल 2020 के अंदर। अब पारित होने के बाद में लोग ये सोचने लग गए थे कि अब ये जो CCIM है ये कब हटने वाला है, तो इसको जो हटने की प्रोसेस है वो तो पिछले साल से ही चालू हो गई थी, लेकिन जो ये ऑफिशियली है वो इस साल हटा है 11 जून 2021 को। अब इसके हटने के बाद में अब ये सारी चीजें कौन देखेगा, जो CCIM मॉनिटरिंग करता था, कॉलेज को मान्यता देने का काम करता था, सिलेबस वगैरह चेंज करने का काम करता था, और सिलेबस क्या रहना चाहिए आयुर्वेदा के अंदर, ये सारी चीजें कौन देखेगा, ये सारी चीजें अब देखेगा NCISM। जी हाँ, और जो NCISM की जो वेबसाइट है वो भी जल्दी आ जाएगी आपके सामने, और जो आप CCIM की वेबसाइट देखते हो ये भी जल्दी बंद हो जाएगी। कि अगले साल जो काउंसलिंग करवाएगी AAACC की वो करवाएगी NCISM, ना कि CCIM करवाएगी।
तो गवर्नमेंट ने इसी को ही ध्यान रखते हुए ये सारी चीजें फटाफट करी है। अब क्या होगा, अब NCISM क्या है, NCISM के अंदर क्या है, NCISM के अंदर चार बोर्ड बना दिए गए हैं अलग अलग से। ये जो चार बोर्ड है ये कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला बोर्ड है आयुर्वेदा बोर्ड, दूसरा बोर्ड है यूनानी सिद्धा एंड सोयरिक्पा बोर्ड, और जो तीसरा बोर्ड है वो है भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड, और जो चौथा बोर्ड है वो है भारतीय चिकित्सा पद्धति आचार और पंजीकरण बोर्ड। ये जो चार बोर्ड है वो बनाए गए हैं NCISM के द्वारा। इनको मैं एक बार आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ, द बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा, सेकेंड है द बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्धा एंड सोरिक्पा, और जो थर्ड है द मेडिकल असिस्मेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये थर्ड बोर्ड है, और जो फोर्थ बोर्ड है वो है द बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये चार बोर्ड रहने वाले हैं NCISM के अंदर, और ये जो चारों बोर्ड है ये अब इंडिपेंडेंट काम करेंगे और सारे अलग अलग काम करेंगे। गाइज ये कितने भी बोर्ड बनाए गए हैं, जो ये चार बोर्ड बनाए गए हैं इनके अंदर कितने मेंबर्स रहने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो पहला बोर्ड है वो रहने वाला है द बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा, इसके अंदर टोटल 5 मेंबर्स रहने वाले हैं, और इसके अंदर से एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर्स रहने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो सारे मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे आयुर्वेदा फील्ड से रहने वाले हैं। और दूसरी चीज क्या है, जो प्रेसिडेंट है आयुर्वेदा बोर्ड का वो रहने वाला है डॉक्टर श्रीनिवासव, और ये जो है वो कर्नाटका से हैं। इनकी जो नियुक्ति है वो तो हो चुकी है, लेकिन जो बाकी के 4 मेंबर्स हैं वो अभी वैकेंट हैं, उनकी जो पोस्टिंग है वो अभी होना बाकी है। फिर मैं बात करता हूँ सेकंड बोर्ड के बारे में। तो जो सेकंड बोर्ड रहने वाला है वो है बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्धा एंड सोरिक्पा, इसके अंदर कितने मेंबर्स रहने वाले हैं, इसके अंदर जो मेंबर्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 7 मेंबर्स। इसके अंदर एक प्रेसिडेंट रहेगा, 2 मेंबर्स रहेंगे यूनानी के, 2 मेंबर रहेंगे सिद्धा के, और 2 मेंबर्स रहेंगे सोरिक्पा के। इसके अंदर भी वही चीज है, इसके अंदर जो प्रेसिडेंट का नाम है वो है डॉक्टर के जगन्नाथन, और ये जो प्रेसिडेंट हैं वो केरला से रहने वाले हैं। इसके बाद में जो बाकी के 6 मेंबर्स हैं, 2 यूनानी, 2 सिद्धा और 2 सोरिक्पा, इनकी जो सीट्स है वो अभी वैकेंट है, इनकी जो सीट्स पर जो पोस्टिंग है वो भी अभी जल्दी हो जाएगी। उसके बाद में जो थर्ड बोर्ड रहने वाला है वो रहने वाला है मेडिकल असिस्मेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टम फॉर मेडिसिन। तो इसके अंदर कितने मेंबर्स रहने वाले हैं, इसके अंदर जो मेंबर्स रहने वाले हैं वो 9 मेंबर्स रहने वाले हैं, एक प्रेसिडेंट रहेगा, बाकी के सारे मेंबर्स रहेंगे। बाकी के जो 8 मेंबर्स रहने वाले हैं उसके अंदर जो 4 मेंबर रहेंगे उनमें से एक मेंबर रहेगा आयुर्वेदा का, एक मेंबर रहेगा यूनानी का, एक मेंबर रहेगा सिद्धा का, एक मेंबर रहेगा सोरिक्पा का। उसके बाद में जो बाकी के 2 मेंबर्स रहने वाले हैं इन 4 के अलावा वो किसी भी इंडियन मेडिकल सिस्टम से रह सकते हैं। क्या वो आयुर्वेदा से भी रह सकता है, वो सोरिक्पा से भी रह सकता है, वो सिद्धा से भी रह सकता है, वो यूनानी से भी रह सकता है, 2 मेंबर्स। अब बचते हैं 2 मेंबर्स, तो जो 2 मेंबर्स हैं वो रहने वाले हैं एक्रेडिटेशन एक्सपर्ट। इसके बाद में मैं फोर्थ बोर्ड की बात करता हूँ, तो जो फोर्थ बोर्ड है वो रहने वाला है बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसके अंदर क्या रहने वाला है, इसके अंदर भी 9 मेंबर्स रहने वाले हैं, एक तो रहेगा प्रेसिडेंट और 8 रहेंगे मेंबर्स। इनके अंदर जो प्रेसिडेंट रहेंगे वो रहेंगे राकेश शर्मा, ये रहने वाले हैं पंजाब होशियारपुर से। इसके बाद में जो बाकी के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर से एक मेंबर रहेगा आयुर्वेदा का, एक मेंबर रहेगा यूनानी का, एक मेंबर रहेगा सिद्धा का और एक मेंबर रहेगा सोरिक्पा का। और बाकी के जो मेंबर्स 2 मेंबर्स हैं वो किसी भी इंडियन सिस्टम से रह सकते हैं, इंडियन मेडिकल सिस्टम से। क्या वो आयुर्वेदा से भी रह सकता है, यूनानी से भी रह सकता है, सिद्धा से भी रह सकता है। और जो बाकी के जो 2 मेंबर्स हैं लास्ट इन 8 के अंदर से वो रहने वाले हैं नॉन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन मेंबर, मतलब वो ना ही आयुर्वेदा से रहेगा, ना ही यूनानी से रहेगा, ना ही सिद्धा से रहेगा, ना ही सोरिक्पा से रहेगा, ये दोनों रहने वाले हैं वो अलग रहने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई इन चारों बोर्ड्स के बारे में, मैंने आपको मेंबर्स बता दिए इन चारों बोर्ड्स के बारे में ये कैसे कैसे रहने वाले। वर्तमान में जो आयोग बना है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर एक चेयरपर्सन होंगे जिनका नाम है श्री वैद्य जयंत यशवंत देव पुजारी, ये होंगे इसके चेयरपर्सन। अब बाकी के जो मेंबर्स रहने वाले हैं चेयरपर्सन के अलावा, जो कि जिनको नाम दिया गया है एक्स ऑफिसो मेंबर्स, ये 14 के समथिंग रहने वाले हैं इस कमेटी के अंदर, और जिनका क्या क्या नाम है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो 4 बोर्ड्स हैं हमारे जो कि बनाए गए हैं, इनके जो
प्रेसिडेंट है वो रहने वाले हैं। तो सबसे पहले द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा ये रहने वाले हैं, फिर प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्धा एंड स्वरिग्पा ये रहने वाले हैं, फिर प्रेसिडेंट ऑफ द मेडिकल असिस्मेंट एंड द रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये रहने वाले हैं थर्ड पर्सन। उसके बाद में जो फोर्थ पर्सन है वो है द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द एथिक्स एंड द रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये रहने वाले हैं। उसके बाद में जो फिफ्थ पर्सन है वो है एडवाइजर आयुर्वेदा और जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ आयुर्वेदा इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये रहने वाले हैं, फिर एडवाइजर यूनानी के वही रहने वाले हैं। फिर उसके बाद में जो सेवन्थ मेंबर है वो है द डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली के, ये भी मेंबर रहने वाले हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली के। फिर उसके बाद में द डायरेक्टर जनरल सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस न्यू दिल्ली ये रहने वाले हैं CCRAS के। फिर उसके बाद में जो नाइन्थ मेंबर है वो रहने वाले हैं द डायरेक्टर जनरल सेंट्रल काउंसिलिंग फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन ये रहने वाले हैं। उसके बाद में जो टेंथ मेंबर है वो रहने वाले हैं द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल काउंसिलिंग फॉर रिसर्च इन सिद्धा ये रहने वाले हैं। उसके बाद में जो इलेवंथ मेंबर हैं वो रहने वाले हैं द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा चेन्नई ये रहने वाले हैं। फिर उसके बाद में जो ट्वेल्थ मेंबर रहने वाले हैं वो हैं द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी बेंगलुरु ये रहने वाले हैं। उसके बाद में द डायरेक्टर नॉर्थन ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑन आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी शिलोंग ये रहने वाले हैं 13 मेंबर, और 14 और 15 द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर ये रहने वाले हैं। और जो 15th मेंबर हैं, मैंने बताया था आपको इसके अंदर 15th एक्स ऑफिसो मेंबर रहने वाले हैं इस कमेटी के अंदर, जो कि जो 15th मेंबर है वो है द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर ये रहने वाले हैं। तो ये तो हो गए 15 एक्स ऑफिसो मेंबर और एक हो गया प्रेसिडेंट। उसके बाद में बाकी के जो मेंबर्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अंडर सब क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 4, तो इसके अंदर जो मेंबर्स रहने वाले हैं वो 4 रहने वाले हैं, और अभी ये जो सीट्स है वो वैकेंट है। अभी इन जो सीट्स हैं इनको फुलफिल किया जाएगा, और ये जो मेंबर्स रहने वाले हैं 4 ये पार्ट टाइम मेंबर्स रहने वाले हैं। इसके बाद में जो सेकंड क्लॉज है बी, उसके अंदर जो सब सेक्शन 4 है उसके अंदर भी सेक्शन 4 के अंदर जो मेंबर रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 10 मेंबर्स, और ये जो मेंबर्स हैं वो भी पार्ट टाइम मेंबर्स रहने वाले हैं, और ये जो पोस्ट है वो अभी वैकेंट है, इनको भी फुलफिल किया जाएगा बाद में। उसके बाद में जो थर्ड क्लॉज है सी, उसके अंदर भी 6 मेंबर रहने वाले हैं, और ये जो मेंबर्स हैं ये भी पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, और इनकी जो पोस्ट है वो भी फुलफिल की जाएगी आगे। गाइज यहाँ पर मैंने आपको अभी तक बता दिया है कि जो NCISM जो कमिटी है इसके अंदर एक प्रेसिडेंट रहने वाले हैं, 15X ऑफिसो मेंबर रहने वाले हैं, और जो सब क्लॉज ए है जिसके अंदर 4 मेंबर्स रहने वाले हैं, सब क्लॉज बी के अंदर 10 मेंबर्स रहने वाले हैं, और सब क्लॉज सी के अंदर 6 मेंबर्स रहने वाले हैं। और ये जो सब क्लॉज के अंदर जितने भी मेंबर रहने वाले हैं, ये जो 20 मेंबर्स हैं, ये पार्ट टाइम मेंबर्स रहने वाले हैं इस कमिटी के। आई होप गाइस ये जो पूरा बिल है वो आपको समझ में आया होगा, और कितने मेंबर रहने वाले हैं कितने मेंबर नहीं रहने वाले वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो पॉइंट है वो लिखा गया है कि द कमीशन शैल कम इनटू फोर्स विद द इफेक्ट ऑफ 11th डे ऑफ जून 2021 एंड द चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन शैल होल्ड द ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स और अंटिल द फर्दर ऑर्डर्स विच इज अर्लियर विद द इफेक्ट फॉर 11th डे ऑफ जून 2021। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो 11 जून था उस दिन जो CCIM है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, और जो उसके जो पावर्स हैं जो वो चीज़ें देखता था वो सारी चीज़ें अब जो है वो NCISM देखने वाला है।